नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरह ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। वीरभद्र पंचतत्व में विलीन, नम हुई हजारों आंखें, राज के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। रामपुर के जोगनी बाग में राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ। देहांत के तीसरे दिन रामपुर में हजारों लोगों ने नम आंखों से राजा साहब को अंतिम विदाई दी। वीरभद्र सिंह के पैतृक राजमहल पद्म पैलेस में सुबह से दोपहर बाद तक कई रस्में चलती रही। हजारों लोग कतारबद्ध होकर महल के भीतर प्रवेश करते रहे और वीरभद्र पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते रहे। दोपहर बाद 3:30 बजे जब वीरभद्र की पार्थिव देह अंतिम यात्रा के लिए बाहर लाई गई तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर करीब 1 किलोमीटर तक जन सैलाब उमड़ आया। राजा नहीं फकीर थे, हिमाचल की तकदीर थे, जैसे नारे लगाते हुए लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। 4:15 पर वीरभद्र सिंह को बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मुखाग्नि दी। इससे पहले पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। इसके अलावा बात करें तो शनिवार को रामपुर, भूषर, जुब्बल, कुल्लू आदि रियासतों से बड़ी संख्या में लोग पद्म पैलेस के लिए उमड़ आए। प्रदेश भर से कई नेताओं सहित हजारों लोग यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पवन बंसल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। शिमला हिल्स क्वीन में उमड़े सैलानी, होटलों में ऑक्यूपेंसी 90%, पहुंची पार्किंग भी फुल। हिल्स क्वीन वीकेंड पर फिर सैलानियों से गुलजार हो गई है। राजधानी शिमला के लगभग सभी होटल और पार्किंग शनिवार शाम तक फुल हो गई। बाजारों में भी देर शाम तक सैलानियों की चहल पहल रही। शनिवार दोपहर के समय सर्कल रोड पर स्थित ज्यादातर छोटी बड़ी पार्किंग गाड़ियों से फुल हो गई। इसके चलते कई सैलानियों ने सर्कुलर रोड पर ही जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर दी। इससे लिफ्ट, होटल, होलीडे होम के पास बार बार जाम भी लगता रहा। ऊना बावड़ी में पानी पीने आए घायल तेंदुए को किया बंद, देखने के लिए उमड़ी भीड़। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बंगाणा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जसाना के गांव ऐसन में धार्मिक स्थल आसफी गुफा की सड़क के किनारे बावड़ी में शनिवार सुबह पानी पीने के बाद आराम कर रहे एक तेंदुए को स्थानीय व्यक्ति ने बंद कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को रेस्क्यू किया। तेंदुआ पकड़ने की सूचना पर मौके पर ग्रामीण काफी संख्या पर पहुंच गए, जिन्हें काबू करने के लिए मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश 14 पुलिस अफसरों के तबादला और नियुक्ति आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 14 पुलिस अफसरों के तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। संजीव लखनपाल को कमांडेंट होमगार्ड मंडी, मदनलाल को एसपी पीटीसी, ड्रोहो रमन शर्मा को एएसपी सैंगट इंडिया रिजर्व बटालियन स्कोर, निश्चित सिंह नेगी को कमांडेंट होमगार्ड कुल्लू और सुनील दत्त को एएसपी सीआईडी शिमला लगाया गया है। मंडी गोली लगने से व्यक्ति की मौत, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सदर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले जनेड़ गांव में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र और सुरेश कुमार इसी गांव के रहने वाले हैं और साथ ही काम भी करते हैं। बीते दिन दोनों ने दोपहर से ही शराब पीना शुरू कर दिया और उसके बाद बंदूक लेकर जंगल की तरफ शिकार करने भी गए। दोनों देर रात तक जनेड़ स्कूल के प्रांगण में गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि देवेंद्र कुमार पर गोली चल गई और उसके मौके पर ही मौत हो गई। डर के कारण सुरेश ने रात भर इसकी किसी को भी जानकारी नहीं दी और सुबह जब लोगों ने स्कूल के प्रांगण में लाश देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया कि उससे गलती से गोली चली है। गोली चलाने के बाद उसने साथ लगते नाले की झाड़ियों में बंदूक को छिपा दिया था। शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, बिना शुल्क टायर दे सकेंगे कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी। मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अध्यापक पात्रता परीक्षा न दे पाने वाले अभ्यर्थियों को स्कूल शिक्षा बोर्ड नवंबर माह में निशुल्क शुल्क के परीक्षा में बैठने का मौका देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने कोविड रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र व एडमिट कार्ड बोर्ड कार्यालय के ईमेल एड्रेस पर भेजना होगा, उसके बाद ही उन्हें यह सुविधा मिलेगी। शिमला के छराबड़ा से दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दूसरे दिन छराबड़ा से दिल्ली लौट गए। वह शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला पहुंचे थे। राहुल का 2 दिन प्रियंका वाड्रा की छराबड़ा स्थित कोठी में रहने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। दूसरी ओर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को रामपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने AICC की तरफ से 4 बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल रामपुर में अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए भेजा है। HPU UIT में BTech प्रवेश के लिए 25 जुलाई तक बढ़ाई आवेदन तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने नए सत्र में संस्थान में चलाए जा रहे सभी 5 कोर्सों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
संस्थान के बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक आईटी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के पहले सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। पीजी प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हजारों छात्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए सत्र में पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। प्रदेश भर के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे रहे हजारों छात्रों को प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी होने का इंतजार है। 7 अगस्त तक यूजी डिग्री कोर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स की फाइनल की परीक्षाएं समाप्त होंगी। इसके तुरंत बाद ही विश्वविद्यालय को पीजी की प्रवेश परीक्षाएं शुरू करनी होंगी। भाषा अध्यापक पात्रता परीक्षा को उमड़े अभ्यर्थी, हमीरपुर सहित प्रदेश भर में दिखा उत्साह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शनिवार को टीजीडी टैट और भाषा अध्यापक टैट की लिखित परीक्षा शनिवार को सुबह और शाम के सत्र में आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह दिखने को मिला। नक्शे की जांच के लिए निजी योजनाकार किए जाएंगे तलब। प्रदेश सरकार भले ही नक्शा पास करने की शक्तियां निजी योजनाकारों को दे रहा हो, लेकिन फील्ड में निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण की शक्तियां टीसीपी के पास रहेंगी। विभाग किसी भी भवन मालिक के नक्शे की जांच कर सकता है। अगर निजी प्लानर ने नियमों को दरकिनार करते हुए फायदा पहुंचाने की कोशिश की होगी तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किए गए नियमों में यह प्रावधान किया गया है। मौसम विभाग 11 जुलाई से मानसून के रफ्तार पकड़ने के आसार, 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 11 जुलाई से मानसून के रफ्तार पकड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। बता दें, बीते कई दिनों से विभाग की ओर से मौसम को लेकर जारी अलर्ट व पूर्वानुमान फेल ही साबित हुए हैं। हालांकि शुक्रवार रात को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की चौथी टनल का उद्घाटन, प्रोजेक्ट का 20% काम पूरा। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण तेज रफ्तार से चल रहा है। भानुपल्ली से बिलासपुर तक लगभग 65 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट के चल रहे निर्माण कार्य में 7 सुरंगों और 5 लंबे पुलों का निर्माण किया जा रहा है। भानुपल्ली के साथ लगते गांव धड़ोली के निकट रेलवे प्रोजेक्ट की सुरंग नंबर 4 का उद्घाटन प्रोजेक्ट प्रभारी राजीव सोनी ने रिबन काटकर किया। इससे पहले सुरंग की एक साइड को दूसरी साइड को ड्रिल के साथ जोड़ा गया। लगभग 65 किलोमीटर लंबी इस रेल मार्ग परियोजना को अब 20% तक कार्य पूरा कर लिया गया है और 4 सुरंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं। बद्दी में ट्रक स्कूटी की टक्कर में 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, सड़क हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत भूंड में तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी सवार महिलाएं वो 2 साल की बच्ची सड़क पर गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक की चपेट में आने से 2 साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाओं को चोटें आई है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।